हाय एवरीवन, यह है एयर स्पेन का IB5 एंटीना। क्योंकि बारिश में लाइटनिंग होने के कारण इसका अंदर का जो सर्किट है वो जल गया, जिसके कारण से एंटीना हो गया है फॉल्टी। तो जिस कस्टमर का ये है उसे हम अभी अभी ही इंस्टॉल करना है। ये कॉलेज का इंटरनेट कनेक्शन था 100 Mbps का, पर वो इतना इम्पोर्टेंट है कि अभी हमें इस एंटीना को लगाना होगा न्यू। ये है इसका मैनेजमेंट पोर्ट, और जो हम खोल रहे हैं इस जगह पर इसका रीसेट बटन होता है। तो बाकियों में तो रीसेट बटन होता है, ये एयर स्पेन का है, मैं पहली बार खोल रहा हूँ तो देखता हूँ इसमें रीसेट बटन है कि नहीं। अंदर नहीं, रीसेट बटन तो नहीं नज़र आ रहा है, शायद हो पर पता नहीं चल रहा। जो भी हो, हमारा नया एंटीना आ चुका है और ये हम अभी रात 12:30 बज रहा है, इसे हम इंस्टॉल करने आए हैं और ये हम इंस्टॉल कर रहे हैं। चारों तरफ झिंगुर का आवाज़ रात के सन्नाटे को मानो और बढ़ा रही हो, ऐसा लग रहा है चारों तरफ भूत है, फिर भी हम काम कर रहे हैं। इंस्टॉल करते वक्त हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन इतना जल्द हो सके हमने इसे इंस्टॉल कर दिया और उसका कस्टमर का लिंक अप हो चुका है, उसे इंटरनेट अब मिल चुका है। इस एंटीना का मैक एड्रेस, इस मैक एड्रेस को हम IPv6 में बदलते हैं, फिर IPv6 से हम गूगल क्रोम की सहायता से लॉगिन करते हैं। कैसे ये करते हैं हम आपको थोड़ा सा डेमो दिखा दे रहे हैं। चलिए, मैक एड्रेस को IPv6 में कैसे कन्वर्ट किया जाता है पहले ये देखते हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं अपने गूगल क्रोम पर, तो चलिए हम अपने गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद हम जस्ट लिखेंगे मैक टू IPv6 कन्वर्टर और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद हमें पहला वाला जो ऑप्शन आता है इसमें भी क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें एक ये बॉक्स आ गया, अब हम इस बॉक्स में क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ मैक एड्रेस लिखने के लिए बताया जा रहा है। तो हमने उस एंटीना का मैक एड्रेस को पहले ही एक कागज़ पर लिख लिया था, अब हम इसे टाइप करते हैं। जस्ट जैसा है वैसा ही लिखना है, 20 उसके बाद क्लोन B5 क्लोन C6 क्लोन 14 क्लोन 89 क्लोन DF। अब हम सबमिट कर देंगे तो देखिए इसका रिज़ल्ट हमें आ गया है IPv6 का। अब आपको पता है नहीं, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि मैक एड्रेस 48 बिट का होता है और IPv6 जो है वो 128 बिट का होता है, 128 बिट का, ठीक है। और ये टोटल 8 सेगमेंट में होते हैं और इसी IPv6 से हम एंटीना में लॉगिन करेंगे। यह IPv6 जो है वो 8 सेगमेंट में होता है, 8 पार्ट में होता है और प्रत्येक सेगमेंट 16 बिट का होता है। इस प्रकार से हमारे 16 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 बिट हो जाता है। इस प्रकार IPv6 हमारा 128 बिट का होता है। तो जैसे लिखा हुआ है ठीक ऐसे ही हम लिखेंगे, या आप किसी कागज़ पर नोट कर ले, या अगर लैपटॉप में अगर आप ओपन किए, मैं तो मोबाइल में ओपन किया हूँ जस्ट आपको इजीली तरीके से दिखाने के लिए। अगर आप लैपटॉप से करते हैं तो डायरेक्ट यहीं से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसे क्रोम में जा करके सर्च बार में टाइप करेंगे https://, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट और ये IPv6 को कॉपी करके थर्ड ब्रैकेट में डाल देना है, मतलब बड़ी ब्रैकेट में, और सर्च करेंगे तो हमारा पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन देगा। तो चलिए, अभी तो मैं जस्ट इतना दिखा रहा था कि मैक एड्रेस को IPv6 में कन्वर्ट कैसे करते हैं। थैंक यू।